गाइस मम्मा का गिफ्ट आ गया और अभी मंदिर को मैंने थोड़ा रोक दिया है, ठीक है अभी थोड़ी देर में साफ करेंगे, पहले मम्मा के एक्सप्रेशन देखते हैं कि कैसा एक्सप्रेशन आता है निकल के। रुक जाओ पहले मैं शूट करूंगी, भागे जा रही है। तो ये मेरे बहुत दिन से दिल में हसरत थी अपने घर पर। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अराउंड 10 बजे के आसपास। तो अभी पी रहे हैं हम चाय और आज चाय के साथ है ब्रेड पकौड़े और यहाँ पर हमारे बच्चे बैठे हुए, अब तक गए नहीं ऑफिस। समझते हैं मेरा ऑफिस मेरा घर है, तो मैं कभी भी चला। तो गाइस यहाँ पे धुलाई कार्यक्रम चल रहा है और मम्मा अपनी प्रिय 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 गाड़ी को धो रही है, वॉश कर रही है, आंटी अभी ऑफिस जा रहे हैं। तो गाइस अब खाने में आज है क्या, ये पापा जी ने नई सब्जी क्या बोलते हैं इसे, ग्वार की फली और साथ में रोटी और ये चटनी और हम खाना खा रहे हैं। मामा का तो मैं दिखा सकती हूँ आज बर्थडे कल कैसी हो रही है। गाइस बहुत देर बाद मुलाकात हो रही है, बहुत देर बाद। तो मैंने आज पहने ये वाले सूट, ये मैंने पहना था अपने ऑपरेशन से पहले, मैं आपको बैक से लुक दिखाती हूँ इसका। तो ये कुछ ऐसा सा है, इससे मेरी ऑपरेशन की याद आ जाती है मेरे को। आनिया मम्मा आ चुके हैं, क्या लेके आई हो, इन्हें कहा लगाओगे मोर पंखन ने क्या लगाओगे मोरों को। ऐसी चल रही है ना, मतलब अब तक नहीं खत्म नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा। और मेरे तो अब तक कपड़ों का भी नहीं पता मैं क्या पहनूंगी कल। ये हेलमेट कौन है? तो यहाँ कल के लिए खील बताशे आ चुके हैं, दिए आ गए हमारे। तो गाइस हम आ गए किचन में, मम्मा ने दिए भिगो के रख दिए थे तो मैंने पानी से निकाल दी हूँ फटाफट से, तो उल्टे करके रखते हैं ताकि इनका जो पानी है सूख जाए। पानी तेल है, मैं तेल नहीं काम करती हूँ वहीं लेके चलती हूँ और वहीं पे इन्हें प्रिपेयर कर लेंगे। तो गाइस मैं सोच रही हूँ मंदिर में भी लाइटिंग कर देती हूँ थोड़ा सा, इनका ना ये चेंज वेंज कर देती हूँ तो और अच्छा लगेगा मंदिर। तो अभी वैसे चेंज करके और पूजा करके उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं मंदिर साफ कर रही हूँ, तो मैंने सबके भगवान जी के कपड़े चेंज कर दिए थे, इन्हें नए नए कपड़े पहना दिए थे क्योंकि कल है दिवाली। तो हम कपड़े नए पहनते तो भगवान जी को भी नए कपड़े पहनने चाहिए ना, तो इन सबके कपड़े मैंने चेंज कर दिए थे और मुझे जितने बेबी पिंक कलर के मिले ना तो मैंने सबको मैचिंग कपड़े पहनाए हैं। तो ये कुछ ऐसे लग रहे थे देखने में। और गाइस मम्मा का गिफ्ट आ गया और अभी मंदिर को मैंने थोड़ा रोक दिया है, ठीक है अभी थोड़ी देर में साफ करेंगे, पहले मम्मा के एक्सप्रेशन देखते हैं कि कैसा एक्सप्रेशन आता निकल के। रुक जाओ पहले मैं शूट करूंगी, भागे जा रही है। तो गाइस मम्मा इज सो एक्साइटेड, ठीक है कम बच्ची है। आप कहाँ जा रही हो, आगे आगे तो मैं गिफ्ट तो यहाँ से अंदर ही आएगा मेरे को नीचे देख के बोलो, इनको ले लो दीदी नहीं भाभी है। हाय गाइस और कुछ मत करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। अच्छा बस ओ यहाँ गाइस चंता आ रही है। दीदी 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 बेटा हटा हटना हटना बेटा हटना, मेरे चला नहीं जाना मेरे भाई। चलो गेट बंद करके अंदर चले, नहीं अंदर क्यों चले, आ तो गई नहीं ये तो आ गई, चलना अंदर को भाभी रुक जाओ अभी आ जाओ, कम 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 वेलकम वेलकम, यही सूट पहना था बढ़िया सा, आ जाओ तुम्हारा लगाएंगे हम कॉटन से, नो टीचर लगेंगे वो बस बेटा भी रुके रहना, नहीं नहीं कल छोड़ेंगे। यहाँ पे गिफ्ट अनबॉक्स हो रहे हैं, गुड़िया दीदी को ऑफिस से मिलेंगे, ऑफिस से मिले ना, ये तो गंदा मुख्य बता दीजिए, चलिए आना जरा।
हेलो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट आ गया है। भैया कहाँ पर हो? देना पेन दे देना। डेट क्या है? डेट कितनी है? 30 मेरे पास। थैंक यू वेरी मच। अभी से रखोगी काम मगरमच्छ। ये गिफ्ट मिला इसका बॉल। हाँ बोलो सही क्या। अब फिर आएगा ये? नहीं, लो गड्डी भाग गया। अनबॉक्स करिए इसे। बुढ़िया चक्कर आइए। हेलो भैया कहाँ हुआ? बाहर तो खड़ी हूँ मैं। चलो मम्मा ने अनबॉक्स करना गाइस स्टार्ट कर दिया है, तो अब फटाफट से देखते हैं हम अपना माइक्रोवेव ओवन। मम्मा जल्दी खोलो फटाफट फटाफट। ये मेरे बहुत दिन से दिल में हसरत थी। तो भैया इसमें कुकिंग नहीं करनी ना मेरे को। ये मुझे लग रहा बड़ा हम चाहते हैं भाई हमें अच्छी चीज़ से बना के। ये मना कर दिया। ये मेरे को बहुत अच्छी थी। बुढ़िया जी आइए। तुम बड़ा वाला ले आई हो क्या? उठाओ ना मामा। अभी तो सूट में गाइस यहाँ मैंने बना लिया राजमा। पानी थोड़ा सा खतक जाएगा, मैं इसमें धनिया डाल दूंगी। तो ये टेस्टी राजमा बन के तैयार हो जाएगा। बस मैं चावल बने रख देती हूँ फटाफट से, एंड उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस फाइनली अब हम केक कटिंग करने जा रहे हैं, तो मम्मा आ रही हैं अभी। रेडी हो रही है फटाफट फटाफट। वो तो मैंने दिखा दिया था और दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने मम्मा का गिफ्ट शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। हमें कहीं जगह थोड़ी समझ में नहीं आई, तो हमने ये अपने फ्रिज के ऊपर ही रख दिया है। अभी हमने ऐसे ही रख दिया, हम कुछ नहीं बना रहे इसमें। अभी देखना कुछ बनेगा भी नहीं इसमें सालों साल। तो ये तुम क्यों लेकर आई हो? जब हमें सालों साल इस पर कुछ बना नहीं दिया था। मैं कढ़ाई बेचती थी मैं। उस कढ़ाई में बनाते थे ना, उसमें इसमें पता पीतल की कढ़ाई, उसमें वो डाल के नमक तली जल गई उसकी। नहीं, मैं उन बच्चों में से हूँ जिसके माँ बाप एक बार जिस चीज पे हाथ लगा देंगे वो चीज मैं उन्हें खरीद के दे दूंगी। मम्मा मेरी माँ ने इस पे हाथ लगा दिया था कि मुझे ये मेरे बर्थडे पे चाहिए, तो ये आ गई। मैंने ताजमहल पे हाथ लिया। ताजमहल अब ताजमहल का करेंगे क्या? यहाँ पर उसके अंदर है ही क्या? अब के चलेंगे हम प्रभु दिया। तो गाइस केक आ चुका है और बहुत ही सुंदर केक है। तो ये गुड़े दीदी अभी लेकर आई है, और ये वाला आया था कल, ठीक है। हमने कट नहीं किया था रात में, हमने सोचा सबके साथ कट करेंगे, बट फिर भी अभी हमें अकेले कट करना पड़ रहा है। था ये गल क्यों रहा है? उस टाइम न्यू था। चलो बताओ मत किसी को। 3 दिन का 4 हो गया। मैंने कहा था पापा को सुनने के लिए। मैया तुम ये सोदा मैया। रुको गाइस, चलो अब हम केक कट करने जा रहे हैं। एक सेकंड तो यार, मैं तो वीडियो क्लिप बना रही हूँ, फोटोज तो मम्मा के सुना रही होंगी। मैं पीछे से गाइड चलो ना। हाँ चलो मम्मा, ब्लो द कैंडल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मॉमी। चल गया केक कट करिए। गिफ्ट दिखाई देंगे पहले। तुम्हारा
ये माँ खाने वाला है, ये ऐसी है चॉकलेट गत्ता है। ये भी कट कर लो ना थोड़ा सा, फिर हाँ। उसको भी तो खिला दो संग में एक बार, फिर मैं उधर हूँ। जिसका बर्थडे है उसको नहीं खिलाया जा रहा, मम्मा को पसंद नहीं है थोड़ा सा। ये फिर ये वाला चखा दो। गाइस मम्मी को ये वाला केक पसंद है, स्पून ले आकर खिला देते हैं ना एक चम्मच से। नहीं सही लग रहा, स्वाद लग रहा। काटो सीधा से, काट यहाँ तो बंदा ही कर दिया। मम्मी को डार्क चॉकलेट की जगह ये वाला पसंद है, वनीला। माँ स्ट्रॉबेरी भी पसंद है, काट डालो माँ को। काट हो गई माँ को तुम, चलो। अरे खुद भी खाओगे ना, बर्थडे से तुम आ रहे गाइस। जैसे कि आपको पता है कल हम ज्वेलरी शॉप पे गए थे, तो मैंने एक कुछ टाइम पहले बुक की थी मम्मा के लिए, तो हम कल गए थे इसे पिक करने के लिए। तो अब मैं दिखाती हूँ कि हम क्या लेकर आए हैं। बट ये कोई सरप्राइज नहीं, क्योंकि मम्मी को पता था हमने उनके लिए बुक करी है, क्योंकि हम ये चीज सोचते हैं कि ये चीज हम। तो ये है, नीचे करो दिखाओ, डायमंड की नोज पेंट। तो मम्मी को मिलती है डायमंड की नोज पेंट। शक्ल देखो मम्मी की, पर अच्छी नहीं लग रही है। ये देखिए गाइस, ये फर्स्ट डायमंड की चीज जो मम्मी के पास है। इससे पहले डायमंड कुछ है आपके पास? नहीं, मेरी औलाद है, दो डायमंड है मेरे पास। इधर डायमंड ये रहा। चलो मम्मी से वेयर करो भी। अच्छा गाइस, निकालने में टाइम लगेगा। मेरा गिफ्ट तो ऐसा है जो मैं उठा के ला भी नहीं सकती और दिखा भी नहीं सकती। नहीं, जाके दिखा सकते हो बाहर। दिखा दिया, चलो चलो पहनो। वो लेके आधा का नहीं निकल जाएगी मम्मा, एक बार ये वेयर कर ले फिर दिखाते हैं। तो गाइस मम्मा अभी से ओपन कर रही है, आप पता नहीं कैसी है। पीच वाली है ये? हाँ। चलो गाइस, मैं ऐसी लग रही है फेस पे, इधर ऐसे बस मुंह सीधा करो, तो ये कुछ ऐसी लग रही है फेस पे ना। तो गाइस हम खाएंगे खाना, और बस अब आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर दूंगी, इसके आगे अब मैं शूट नहीं करूंगी। तो कल मिलते हैं हम दिवाली वाले दिन। तो आज का व्लॉग आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आज बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया हमने, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बिजी सा डे था, कभी कुछ। तो कल मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।